as a gatekeeper. नहीं देगी क्यों हर बार एक औरत को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता। हवनी का बदला पूरा हो गया, दयावंती मेहता को उसकी करने की सजा मिल गई, लेकिन फिर भी अपने जन्मदिन के मौके पर वो उदास क्यों है? उसके चेहरे से उसकी हंसी गायब क्यों हो गई है? इस बात को नील अच्छे से जानता भी है और पहचानता भी है। तभी तो अवनी की खुशी के लिए उसने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। उस जान जिसमें कोई भी उसे हटाने की कोशिश करता हूं, मैं उन्हें केक लगा देता हूं उनके नाक पे। इट्स अ वेरी क्यूट मोमेंट बिटवीन अस एंड या। लेकिन उसे क्या पता था कि इस पार्टी में होने वाला है बहुत बड़ा सियापा। उसकी पत्नी के चरित्र पर कोई उंगली उठाएगा। जो मैं चाहती थी कि दयावंती को सजा मिले और वो जेल में हो, तो वो हो चुका है। बट आगे अब जो प्रॉब्लम्स अवनी फेस कर रही है, जो इमोशंस उसके अंदर चल रहे हैं, उससे अवनी बहुत परेशान है और वो समझ नहीं पा रही कि अब क्या करें। नामकरण की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। अवनी के बचपन का दोस्त अली, वो पागलों की तरह अवनी को प्यार करता है और अवनी को पाने के लिए उसने ऐसी हरकत की है। घर वालों के सामने वो ये साबित करना चाहता है कि उसके और अवनी के बीच में कोई रिश्ता है। अगर ये झूठ है तो सच क्या है? अवनी को जवाब देना ही होगा। नहीं देगी। क्यों हर बार एक औरत भी अपनी परीक्षा से पिसलती है? अब घर वाले भले ही अली के बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे, लेकिन नील उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास की बुनियाद सबसे गहरी होती है। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।